Today I am going to talk about heteroscedasticity, how to resolve the issue of heteroscedasticity in just with a single click. For those who want to get it in English, I'll upload this document, and for others I am going to explain. So heteroscedasticity means ke data identically distributed hai, data ek hi distribution se aaya hai. To aap dekhiye, to ye main aapke samne jo hai wo generate kar raha hu. रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है मैं ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा. तो लेट्स सी कि ये आपके पास एप्सिलॉन आई जो है ये एरर्स होते हैं. दीज आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. इंडिपेंडेंट मींस नो ऑटो कोरिलेशन. आइडेंटिकल मींस होमोस्कडास्टिसिटी. ये एप्सिलॉन आईज जो है ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है. ये हमेशा इनका मीन जीरो, वेरियंस कांस्टेंट, कोवेरियंस एप्सिलॉन आई माइनस जे इक्वल टू जीरो. इश्यू जो आता है वो इस ये नहीं हमें मिलते, हमारे पास रेजिजुअल्स होते हैं. रेजिजुअल्स की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती कि क्या वो आईआईडी हैं या नहीं है, ये हमेशा एक इश्यू होता है. बट आप देखिए तो हेट्रोस्कडास्टिसिटी पे बुक्स में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है. मैं आपको ये बात करने जा रहा हूं कि यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट लिटरेचर इफ यू आर यूजिंग इट फ्रॉम एन अप्लाइड पर्सपेक्टिव. बहुत सिंपल सॉल्यूशन टेस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे ब्रॉश पेगन एंड वाइट टेस्ट जो है बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है. बट एट द मोमेंट मैं इसको ना डिटेक्शन में जा रहा हूं ना हेट्रोस्कडास्टिसिटी रिमूवल में जा रहा हूं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि जी आई एम गोइंग टू पॉइंट हियर हाउ टू रिजॉल्व दिस हेट्रोस्कडास्टिसिटी इन प्रैक्टिस यूजिंग आर. एंड टुडे आई शिल आल्सो एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ वे हाउ टू रिजॉल्व इट इन स्टेटअप. सो व्हाट हैपन्स व्हेन देर इज हेट्रोस्कडास्टिसिटी. बेसिकली योर रेजिजुअल्स योर स्टैंडर्ड एरर इज मेजर्ड इनकरेक्टली बिकॉज ऑफ हेट्रोस्कडास्टिसिटी. देन वी नीड अ करेक्शन इन स्टैंडर्ड एरर्स. सो तो बाद हमें समझ आ गई कि अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी होगी तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बेटा वन हैड जो है जो हम रूटीन में यूज कर रहे हैं यहां पे इस बेटा वन हैड का वो बेसिकली एप्लीकेबल नहीं रहेगा. तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है. और हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर क्या होता है. हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर का मतलब यह है कि अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई तो करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं. तो मैं आपसे सिंपल एक बात को याद रखने को कह रहा हूं कि आपने जब भी अपना मॉडल एस्टीमेट करना है, जब भी आपने अपना इकोनॉमिक मॉडल रिग्रेशन मॉडल एस्टीमेट करना है, तो आपने एक ऑप्शन को चेक कर देना है हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स. ये ईव्यूज में भी ऑप्शन है, एसपीएसएस में भी है, स्टेटा में भी है, आर में भी है. मैं आर और स्टेटा में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ईव्यूज, एसपीएसएस, अदर्स आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो लेट्स गो. मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा. तो यहां पे मैंने ये इक्वेशंस वगैरह सारा कुछ इसी डॉक्यूमेंट में दिया है. मैं बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. इस वक्त आप देखिए तो वही मेरे पास जो है वो लाइब्रेरीज वगैरह, मैंने ये पूरा कोड चंक रन किया और ये मेरे पास जो है वो रन होने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट्स आए. मैं इस वक्त इन रिजल्ट्स की बेस पे आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि मैंने जब एक दफा विदाउट हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स लिए तो ये देखिए कोएफिशिएंट्स के एस्टीमेट्स 1.897. इस केस में पहले वाली इक्वेशन में मैंने रेगुलर स्टैंडर्ड एरर्स यूज किए हैं. आई हैव यूज रेगुलर स्टैंडर्ड एरर्स. दूसरे वाले केस में मैंने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स यूज किए हैं कि हेट्रोस्कडास्टिसिटी करेक्शन हो जाए. तो एस्टीमेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. स्टैंडर्ड एरर्स मेरे यहां पे देखिए तो 0.66 की बजाय 0.69 हो गया, 0.86 हो गया 0.93 की बजाय. तो आपसे मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने हमेशा जब भी करना है आपने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स, हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं. अगर डेटा में होमोस्कडास्टिसिटी हुई तो ये जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं और यहां पे जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं इनमें कोई फर्क नहीं आएगा. और अगर डेटा हेट्रोस्कडास्टिक हुआ तो ये करेक्शन हो जाएगी. तो इसलिए आज के बाद से आपने हमेशा एक काम करना है, चाहे आर यूज करें, स्टेटा यूज करें, ईव्यूज यूज करें, एसपीएसएस यूज करें, कुछ और यूज करें,
कि आपने हमेशा हेट्रोस्कडास्टिक क्रिकेटेड स्टैंडर्ड एरर्स की ऑप्शन को चेक करना है। अगर होमोस्कडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन नहीं होगी, अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने ये मैंने आर में डेमोन्स्ट्रेट किया, डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देता हूं ये सारी चीजें, वही ग्रोथ वाला डेटा जिसमें से माल्टा हमने एक्सक्लूड करके ये सारा कुछ किया था। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास मैं लिंक देता हूं, वहां पे अपलोडेड होगा, आप इसको जो है रेप्लीकेट कर सकते हैं। एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ कैन वी यूज इट इन स्टेटा। तो इसमें भी एक सेकंड नहीं लगेगा, ये मेरे पास एक ग्रोथ डेटा है, तो रिसेंट डेटा सेट्स में मेरे पास ग्रोथ है। मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन अगर इस डेटा को आप देखें तो यहां पे आपके पास ये डेटा आ गया, और हमें पता है इस डेटा को अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं मल्टीपल रिग्रेशन वाली, डेटा एक्सप्लोरेशन वाली, तो वहां पे आपको पता है कि माल्टा इज एन आउटलायर। तो यहां पर मैं ड्रॉप कंट्री नेम, ड्रॉप इफ कंट्री नेम, कंट्री अंडरस्कोर नेम डबल इक्वल माल्टा, तो अगर ये माल्टा हुआ तो ये ड्रॉप हो जाएगा। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो ये बेसिकली इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमारी डिलीट हो गई। नो वी गो फॉर रनिंग सिंपल रिग्रेशन लाइन, आई एम रिग्रेसिंग, ओके, यू कैन गो हियर to statistics and run a simple linear regression, but I am doing it regression. पहले तीन letters लिख दोगे, चार तो data को समझ आ जाएगी। Growth on our trade share, year school, okay fine, you have this 1.89.24 जो हमें वहां पे हमें R में मिला था, but at the moment this is regular standard errors. I am going running the same regression. आपने क्या किया, सिर्फ यहां पे आपने VCE या रोबस्ट या R लिख दिया, तो आप देखिए तो ये स्टैंडर्ड एरर, ये कोएफिशिएंट वही रहा जो यहां पे था, दूसरे कोएफिशिएंट्स भी वही रहे जो यहां पे थे, लेकिन क्या चेंज आई है, स्टैंडर्ड एरर्स में चेंज आ गई है। तो आई होप कि आज के बाद से आप हेट्रोस्कडास्टिसिटी, जो कि क्रॉस सेक्शनल डेटा का सीरियस इश्यू होता है, ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज डेटा का सीरियस इश्यू होता है, तो हेट्रोस्कडास्टिसिटी के लिए ना तो आप किसी टेस्टिंग में पढ़ेंगे, ना उसकी फॉर्मल रिमूवल में जाएंगे, आप सिंपली रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज करते हुए अपने हेट्रोस्कडास्टिसिटी के इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस पे वेल एस्टेब्लिश लिटरेचर चाहिए तो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है, सबसे जो बहुत ही जबरदस्त बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय स्टॉक एंड वॉटसन, अगर उसका चैप्टर 5 वगैरह आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सफिशिएंट एविडेंस कि जो बात मैं कर रहा हूं वो बहुत ही अथेंटिक है। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मैं आपको ये शो करूंगा कि स्टेटा में ये वाला जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं और भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के अपलोड करता हूं जिसमें ये इक्वेशंस और ये सारी चीजें ये कैसे देख सकते हैं, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो प्लीज, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेट्रोस्कडास्टिसिटी, हाउ टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ हेट्रोस्कडास्टिसिटी इन जस्ट विद ए सिंगल क्लिक। For those who want to get it in English, I'll upload this document, and for others, I'm going to explain. So, heteroscedasticity means ke data identically distributed hai, data ek hi distribution se aaya hai. To aap dekhiye, to ye main aapke saamne jo hai wo generate kar raha hoon. Report kaise generate karni hai, main ye apni next video mein aapko step by step explain karunga. To let's see. कि ये आपके पास एप्सिलॉन आई जो है ये एरर्स होते हैं, दीज आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट मींस नो ऑटो कोरिलेशन, आइडेंटिकल मींस होमोस्कडास्टिसिटी। ये एप्सिलॉन आईज जो है ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ये हमेशा इनका मीन जीरो, वेरियंस कांस्टेंट, कोवेरियंस एप्सिलॉन आई माइनस जे इक्वल टू जीरो। इश्यू जो आता है वो इस ये नहीं हमें मिलते, हमारे पास रेजिजुअल्स होते हैं, रेजिजुअल्स की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती, कि क्या वो आईआईडी हैं या नहीं है, ये हमेशा एक इश्यू होता है। बट आप देखिए तो हेट्रोस्कडास्टिसिटी पे बुक्स में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, मैं आपको ये बात करने जा रहा हूं कि यू डोंट नीड टू गो इन टू दैट लिटरेचर इफ यू आर यूजिंग इट फ्रॉम एन अप्लाइड परस्पेक्टिव। बहुत सिंपल सोल्यूशन, टेस्ट मौजूद हैं बहुत सारे, ब्रॉश पेगन एंड वाइट टेस्ट जो है बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, बट
एट द मोमेंट मैं इसको ना डिटेक्शन में जा रहा हूं ना हेट्रोस्कडास्टिसिटी रिमूवल में जा रहा हूं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि जी आई एम गोइंग टू पॉइंट हियर हाउ टू रिजॉल्व दिस हेट्रोस्कडास्टिसिटी इन प्रैक्टिस यूजिंग आर एंड टुडे आई शिल ऑल्सो एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ वे हाउ टू रिजॉल्व इट इन स्टार्टअप. सो व्हाट हैपन्स व्हेन देर इज हेट्रोस्कडास्टिसिटी बेसिकली your residuals your standard error is measured incorrectly because of heteroscedasticity. Then we need a correction in standard errors. So baad hame samajh aa gayi ki agar heteroscedasticity hogi to standard error of beta 1 hat jo hai jo hum routine mein use kar rahe hain yahan pe is beta 1 hat ka wo basically applicable nahi rahega to usme kuch adjustment ki zarurat hai. और हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर क्या होता है. हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर का मतलब यह है कि अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई तो करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं. तो मैं आपसे सिंपल एक बात को याद रखने को कह रहा हूं कि आपने जब भी अपना मॉडल एस्टीमेट करना है, जब भी आपने अपना इकोनॉमिक मॉडल रिग्रेशन मॉडल एस्टीमेट करना है, तो आपने एक ऑप्शन को चेक कर देना है हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स. ये ईवीयूज में भी ऑप्शन है, एसपीएसएस में भी है, स्टेटा में भी है, आर में भी है. मैं आर और स्टेटा में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ईवीयूज एसपीएसएस अदर्स आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो लेट्स गो. मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा. तो यहां पे मैंने ये इक्वेशंस वगैरह सारा कुछ इसी डॉक्यूमेंट में दिया है. मैं बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. इस वक्त आप देखिए तो वही मेरे पास जो है वो लाइब्रेरीज वगैरह मैंने ये पूरा कोड चंक रन किया और ये मेरे पास जो है वो रन होने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट आए. मैं इस वक्त इन रिजल्ट की बेस पे आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि मैंने जब एक दफा विदाउट हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स लिए तो ये देखिए कोएफिशिएंट्स कि एस्टीमेट्स 1.897 इस केस में पहले वाली इक्वेशन में मैंने रेगुलर स्टैंडर्ड एरर्स यूज किए हैं. आई हैव यूज्ड रेगुलर स्टैंडर्ड एरर्स. दूसरे वाले केस में मैंने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स यूज किए हैं कि हेट्रोस्कडास्टिसिटी करेक्शन हो जाए. तो एस्टीमेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. स्टैंडर्ड एरर्स मेरे यहां पर देखिए तो 0.66 की बजाय 0.69 हो गया, 0.86 हो गया 0.93 की बजाय. तो आपसे मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने हमेशा जब भी करना है आपने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं. अगर डेटा में होमोस्कडास्टिसिटी हुई तो ये जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं और यहां पे जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं इनमें कोई फर्क नहीं आएगा. और अगर डेटा हेट्रोस्कडास्टिक हुआ तो ये करेक्शन हो जाएगी. तो इसलिए आज के बाद से आपने हमेशा एक काम करना है, चाहे आर यूज करें, स्टेटा यूज करें, ईवीयूज यूज करें, एसपीएसएस यूज करें, कुछ और यूज करें, कि आपने हमेशा हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स की ऑप्शन को चेक करना है. अगर होमोस्कडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन नहीं होगी, अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन हो जाएगी. अभी मैं आपके सामने ये मैंने आर में डेमोन्स्ट्रेट किया, डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देता हूं ये सारी चीजें. वही ग्रोथ वाला डेटा जिसमें से माल्टा हमने एक्सक्लूड करके ये सारा कुछ किया था. तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास मैं लिंक देता हूं, वहां पे अपलोडेड होगा, आप इसको जो है रेप्लीकेट कर सकते हैं. एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ कैन वी यूज इट इन स्टेटा. तो इसमें भी एक सेकंड नहीं लगेगा. ये मेरे पास एक ग्रोथ डेटा है, तो रिसेंट डेटा सेट्स में मेरे पास ग्रोथ है. मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन अगर इस डेटा को आप देखें तो यहां पे आपके पास ये डेटा आ गया और हमें पता है इस डेटा को अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं मल्टीपल रिग्रेशन वाली डेटा एक्सप्लोरेशन वाली तो वहां पे आपको पता है कि माल्टा इज एन आउटलायर. तो यहां पर मैं ड्रॉप कंट्री नेम, ड्रॉप इफ कंट्री नेम कंट्री अंडरस्कोर नेम डबल इक्वल माल्टा, तो अगर ये माल्टा हुआ तो ये ड्रॉप हो जाएगा. आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो ये बेसिकली इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में रखना है. तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमारी डिलीट हो गई. नाउ वी गो फॉर रनिंग सिंपल रिग्रेशन लाइन. आई एम रिग्रेसिंग. ओके, यू कैन गो हियर to statistics and run a simple linear regression, but I am doing it regression
पहले तीन लेटर्स लिख दो कि चार, तो स्टेटा को समझ आ जाएगी। ग्रोथ ऑन और ट्रेड शेयर, ईयर स्कूल, ओके फाइन, यू हैव दिस 1.89.24 जो हमें वहां पे हमें आर में मिला था, बट एट द मोमेंट दिस इज रेगुलर स्टैंडर्ड एरर्स। आई एम गोइंग रनिंग द सेम रिग्रेशन। आपने क्या किया, सिर्फ यहां पे आपने वीसीई या रोबस्ट या आर लिख दिया, तो आप देखिए तो ये स्टैंडर्ड एरर, ये कोएफिशिएंट वही रहा जो यहां पे था, दूसरे कोएफिशिएंट्स भी वही रहे जो यहां पे थे, लेकिन क्या चेंज आई है, स्टैंडर्ड एरर्स में चेंज आ गई है। तो आई होप कि आज के बाद से आप हेट्रोस्कडास्टिसिटी, जो कि क्रॉस सेक्शनल डेटा का सीरियस इश्यू होता है, ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज डेटा का सीरियस इश्यू होता है, तो हेट्रोस्कडास्टिसिटी के लिए ना तो आप किसी टेस्टिंग में पढ़ेंगे, ना उसकी फॉर्मल रिमूवल में जाएंगे, आप सिंपली रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज करते हुए अपने हेट्रोस्कडास्टिसिटी के इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस पे वेल एस्टेब्लिश लिटरेचर चाहिए तो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है। सबसे जो बहुत ही जबरदस्त बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय स्टॉक एंड वॉटसन। अगर उसका चैप्टर 5 वगैरह आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सफिशिएंट एविडेंस कि जो बात मैं कर रहा हूं वो बहुत ही अथेंटिक है। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मैं आपको ये शो करूंगा कि स्टेटा में ये वाला जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं और भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के अपलोड करता हूं जिसमें ये इक्वेशंस और ये सारी चीजें ये कैसे देख सकते हैं, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो प्लीज